गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे फ्रेंड्स आज है दो जून और आज के इस वीडियो में हम लोग दो जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं दो जून के झारखंड के करंट अफेयर्स से जितने भी सारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी फ्रेंड्स डेली मॉर्निंग पाँच बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण वीडियो आती है तो आप इसे डेली बेसिस पे जरूर देखा करें साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो की पी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की आज के करंट अफेयर्स को चलते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है झारखंड के कितने ज़िलों में मनरेगा के तहत अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार देने का प्रावधान है तो अभी हाल ही में झारखंड के आठ जिलों में मनरेगा के तहत अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार देने का प्रावधान है तो अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आठ ठीक है झारखंड के आठ जिलों में मनरेगा के तहत अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार दी जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं मनरेगा के तहत आठ जिलों आठ जिले में से कौन कौन से साम, जिले शामिल हैं गिरिडीह हजारीबाग पलामू गढ़वा कोडरमा पाकुड़ चतरा और साहिबगंज ठीक है तो ये आठ जिलों में अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा आठ जिला के उप विकास आयुक्त को जिला के प्रत्येक राजस्व गांव में कम से कम पाँच योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है ठीक है तो झारखंड सरकार द्वारा जो पांच योजनाएं, सॉरी जो योजनाएं संचालित की जा रही है उन योजनाओं में से कम से कम पांच योजनाएं जो है संचालित की जाएगी और उनके तहत मजदूरों को रोज़गार दिया जाएगा साथ ही प्रति प्रतिदिन प्रति पंचायत कम से कम ढाई सौ मजदूरों को तो नियोजन करने के लिए कहा गया तो हर दिन जो है कम से कम दो मजदूरों को नियोजन करने के लिए कहा गया है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर की ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल के विकास के लिए झारखंड की कितनी लोकल कंपनियों का चयन किया गया है तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल के विकास के लिए झारखंड की तीन कंपनियों का कितने कंपनियों का तीन कंपनियों का जो है चयन किया गया है ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीन तो चलिए फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं झारखंड की प्यूरेश मिल्क फिडको एग्रोकार्ट और ओपन सोर्स कम्युनिटी बिल्डर्स नामक कंपनियाँ भारत के मानचित्र पर ब्रांड झारखंड की दस्तक देंगे ठीक है तो इन तीन कंपनियों को जो है चयन किया गया है इन लोकल तीन कंपनियों को पहली कंपनी है प्योरेश मिल्क दूसरी कंपनी है फिडको एग्रोकार्ट और तीसरी है ओपन सोर्स कम्युनिटी बिल्डर्स ये तीन कंपनियां ठीक है इनका चयन किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की इन तीनों कम, लोकल कंपनियों को वोकल बनाने की तैयारी की जा रही है ठीक है तो ये तीनों लोकल कंपनियों को जो है एक विशेष स्तर पे ब्रांडिंग के तौर पे चयन किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड सरकार के इनोवेशन लैब ने राष्ट्रीय स्तर की ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल के विकास के लिए इनका चयन किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में टिड्डी दल के हमले को लेकर राज्य में किस स्तर पर टिड्डी नियंत्रण दल का गठन का निर्देश दिया गया है तो अभी हाल ही में फसलों के लिए जो एक एगेंस्ट में जो टिड्डी होता है ठीक है तो काफ़ी सारे टिड्डी जो है दूसरे राज्य से अलग अलग राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं ठीक है तो उसके नियंत्रण को लेकर टिड्डी का जो हमला होता है फसलों के लिए ठीक है तो उस हमले को लेकर राज्य में यहाँ पे बताया गया है कि, कि किस स्तर पर जो है टिडी नियंत्रण दल का गठन का निर्देश दिया गया है तो अभी हाल ही में राज्य स्तर जिला स्तर और प्रखंड स्तर यानी हर एक स्तर पे जो है टिडी नियंत्रण दल का गठन का निर्देश सॉरी निर्देश जो है दिया गया है ठीक है तो आप इसे विशेष तौर पे याद रखा कीजिएगा इन तीनों स्तर पे इसको नियंत्रण का निर्देश दिया गया है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ठीक है यानी इन सारे स्तर पे जो है उनकी नियंत्रण को लेकर जो है अलग अलग स्तर पे नियंत्रण दल का गठन किया गया है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कृषि विभाग के अनुसार टीडी दल राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले जो है राजस्थान से स्टार्ट हुई थी इसकी और मध्य प्रदेश तक इनकी जो है उनका टीडी का जो दल है वो पहुंच चुका है और अब झारखंड में टीडी दल के हमले की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है विभाग ने इसे लेकर राज्य जिला और प्रखंड स्तर पर ठीक है इसका विशेष तौर पर याद रखा कीजिएगा राज्य जिला और प्रखंड स्तर पर टीडी नियंत्रण दल का गठन करने का निर्देश दिया है तथा हर दल में छह से सात सदस्य शामिल होंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ़ इंडियन इकोनॉमी के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार झारखंड के शहरों में बेरोजगारी दर क्या है तो अभी जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जो है झारखंड के शहरों में इकसठ दशमलव पाँच प्रतिशत कितनी इकसठ दशमलव पाँच प्रतिशत बेरोजगारी दर है यानी इकसठ दशमलव पाँच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी चलिए फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार झारखंड के शहरों में बेरोजगारी दर इकसठ दशमलव पाँच फीसदी पर पहुँच गई है झारखंड में शहरी बेरोजगारी की यह दर राष्ट्रीय औसत पच्चीस दशमलव आठ फीसदी यानी आपको यह, इससे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है इसे भी याद रखा कीजिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड के शहरी शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की राष्ट्र औसत कितनी है तो राष्ट्र औसत है पच्चीस दशमलव आठ प्रतिशत ठीक है तो पच्चीस दशमलव आठ फीसदी की ढाई गुना के नज़दीक है बहुत ज़्यादा जो है शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में ग्रामीण बेरोजगारी दर इकतालीस दशमलव सात फीसदी यानी जो है झारखंड के शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम है जो कि राष्ट्रीय औसत बाईस दशमलव छः फीसदी के दो गुने से थोड़ा कम है यानी अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि अगर कि जो है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी की कितनी है तो बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत है बाईस दशमलव छः प्रतिशत ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर से याद रखा कीजिए तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इतिहास संकलन समिति झारखंड की ओर से आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का विषय क्या था तो हाल ही में इतिहास संकलन समिति झारखंड की ओर से जो है राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसका विषय क्या था तो इसका विषय था कोविड नाइन्टीन और भारत की देशज चिकित्सक जो है परंपरा ठीक है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोविड नाइन्टीन और भारत की देशज चिकित्सीय परंपरा तो चलिए फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में इतिहास संकलन समिति झारखंड की ओर से राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया रांची विश्वविद्यालय के स्नाकोत्तर इतिहास विभाग और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से यानी इन दोनों के सहयोग से आयोजित इस वेबिनार का विषय था कोविड नाइन्टीन और भारत की देशा चिकित्सकीय परंपरा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनजातीय देश चिकित्सा पद्धति एवं मौजूदा कोरोना संक्रमण काल में इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओर चलते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में कौन सा विश्वविद्यालय देश के टॉप 150 सरकारी विश्वविद्यालय में अट्ठाईसवां रैंक तथा तो साथ ही इसके झारखंड का नंबर वन विश्वविद्यालय बन गया है तो जो है एक आंकड़ा जारी किया गया है एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में ठीक है तो इन इस आंकड़े के अनुसार देश के टॉप 150 सरकारी विश्वविद्यालय में अट्ठाईसवां रैंक प्राप्त हुआ है और झारखंड का नंबर वन विश्वविद्यालय कौन बन गया है तो सी ठीक है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी ओके चलिए फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड यानी सी को देश के एक टॉप सरकारी विश्वविद्यालयों में अट्ठाईसवां रैंक ठीक है एट्टी एट अट्ठाईस रैंक हासिल हुआ है वहीं झारखंड का यह नंबर वन विश्वविद्यालय बन गया तो एट्टी एट्थ रैंक जो है सी को प्राप्त हुआ है देश के 150 सरकारी विश्वविद्यालयों में ठीक है और झारखंड का नंबर वन विश्वविद्यालय बन गया है सी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सी के अलावा झारखंड के किसी भी अन्य सरकारी विश्वविद्यालय को इस सूची में जगह नहीं मिली है नेक्स्ट पॉइंट है यह सर्वेक्षण एजुकेशन वर्ल्ड यानी ई बी की ओर से इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो हजार बीस इक्कीस के लिए किया गया यानी दो हज़ार बीस इक्कीस के लिए जो सर्वेक्षण किया गया उसमें जो है सी यू जी टॉप स्थान पर है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स जो कि आज का आंसर ऑफ द डे है जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन ऑफ़ द डे में दिया गया था और आप लोगों के आंसर बिल्कुल डिफरेंट आए हैं तो हम लोग यहाँ पे राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन है हाल ही में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता किसे बनाया गया है तो वह अभी हाल ही में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता बनाया गया है कंवलजीत सिंह को यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कंवलजीत सिंह ठीक है कंवलजीत सिंह को अभी हाल ही में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता बनाए गए हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स हाल ही में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अजय राय ने लोहरदगा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कंवलजीत सिंह को संगठन का प्रांत अधिवक्ता नियुक्त किया है ठीक है तो इनका नाम याद रखेगा कीजिएगा कंवलजीत सिंह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ठीक है क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में झारखंड के किस जिले में पहली आठ लेन सड़क बनाई जा रही है तो अभी हाल ही में झारखंड के किस जिले में पहली आठ लेन सड़क बनाई जा रही है तो इसका आंसर आपको बताना है इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए रांची ऑप्शन बी बोकारो ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी जमशेदपुर तो प्रयास कीजिएगा इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकें ठीक है तो फ्रेंड्स ये था जो है आ, दो जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल पर न है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ नमस्कार